आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को 5 साल अल्लाह के करम से यहाँ पर भाई मेरे दिल को भी सेटिस्फेक्शन है कि मेरे हाथ से कोई ऐसा गलत काम हुआ नहीं। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि यहाँ पर वकोट पे जो काम चला है 5 साल में, जो डेवलपमेंट हो या इंक्रोचमेंट है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वर्क ट्रिब्यूनल के केसेस वगैरह जो जो भी थे, और जो भी कैंसर पेशेंट, लीवर, हार्ट, किडनी, अपाश और बस बेवायों को भी, वीडोस को भी, और जो भी इमदाद की गई यहाँ से गरीब गुरबा के लिए भी, मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को जो है ना अल्लाह ताला एक जरिया बना के यहाँ पर काम लिया मेरे को। और सीएम साहब का भी, मैं केसीआर साहब का भी, केटीआर साहब का भी, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे को, जबकि 2 साल में जो है ना एमएलसी जाने के बाद लोग जो है ना केसेस डाल दिए थे कि यहाँ पर नहीं बैठना बोल के, मगर सीएम साहब, केटीआर साहब इसके ऊपर सीरियस थे और अल्लाह ताला का भी बहुत बड़ा करम था ऊपर से कि यहाँ पर मेरे को पूरे 5 साल कंप्लीट कराए। लोग जो लैंड ग्रैबर थे, जो जो लोग थे केसा डाल के जो है ना मेरे को हटाने की कोशिश करे, मगर अल्लाह ताला नहीं हटाना चाह रहा था और एक जरिया सीएम साहब को, केटीआर साहब को बनाया था, वो लोग भी जो है ना रहना बोल के थे और गवर्नमेंट की सपोर्ट से मैं जो काम करा हूँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है और हमारे मेंबर्स भी सब मिल के साथ दिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। और अल्लाह का एहसान ये है कि यहाँ पर जो काम हुआ, मैं बड़ी बात तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि कोई भी बोलेंगे कि नो चेयरमैन थे नो बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम जो काम करें इंडिया के कोई भी बोर्ड में जाके मालूम कर सकते कि ये स्कीमा है क्या यहाँ। गवर्नमेंट के स्कीम्स तो बहुत है, गवर्नमेंट के स्कीम्स के अलावा भी जो है वक्फ बोर्ड की इनकम जनरेट करके वो पैसा जो है ना, जो लोग वक्फ करके गए थे जो गरीबों को काम आना बोल के, वो स्कीम कभी भी कहीं भी इंडिया के लेवल, इंडिया लेवल पे कहीं नहीं, ना टीडीपी के पीरियड में, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना किसी के पीरियड में कहीं भी बीजेपी इंडिया लेवल में नहीं है। जहां भी वक्फ बोर्ड है ठप पड़े हुआ है इंडिया में, मगर यहाँ का वक्फ बोर्ड अल्लाह का एहसान है, गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना, हम केसीआर साहब की सपोर्ट से, और अल्लाह का करम ये रहा कि मतलब हर टाइम सपोर्ट तक अल्लाह ताला जिसको रखना चाहता उसको कोई भी छीन नहीं सकता उसको। यही नहीं, हमारे कारोबार में भी कंपटीशन बहुत रहता, जमात वालों में भी रहता, सब लोग करते मतलब, मगर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक भी। मैं 13 साल की उम्र से कारोबार, बिजनेस में और पॉलिटिक्स में हूं। मैं 40 साल की एज हो गई है, 40 साल से जो है ना पॉलिटिक्स, बिजनेस, आई एम सेल्फ मेड। तो अल्लाह का एहसान ये रहा कि अल्लाह ताला जो है हर काम लिया मेरे से, मगर आज भी हम जितना काम करते पर्सनल भी हम जो है ना 30% गरीब गोरबा में निकालते हैं, उसको हम शो ऑफ नहीं करते उसको, क्योंकि रहा वक्फ बोर्ड का सवाल, वक्फ बोर्ड में जो है जो लोग बोल रहे थे कि अपने लोगों को भी किराए पे दे दिए होंगे, ऐसा करे होंगे, एक साइन भी अगर कोई बता दिया तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूं भाई। जो लोग जो बताए ना मतलब के ऐसा है वैसा है, अरे एक तो बता दो, क्योंकि सरकार के भी दौर में शैतान, इबलीस सब लोग थे जब भी, तो सरकार को कुछ नहीं कर सके। अल्लाह का करम यह है, सरकार के सत्ते में और अल्लाह के करम से अपने को कोई यहां पर एक चुमटी बराबर भी नहीं बता सकते कि सलीम ये गलत साइन करके गलत काम कर दिया बोल। और इससे पहले भी मैं वकोट चेयरमैन था दोनों स्टेट का, 4 साल था, 35 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके गया था। फिर जब 10 साल के बाद फिर हमारे को जो केसीआर साहब लेके आके बिठाए, तो जब आया तो यहां पर तनख्वाह देने भी पैसे नहीं थे, सब पैसे खर्चे में आए, क्या करें लेवल। और दूसरे वक्फ बोर्ड जितने भी है इंडिया लेवल में, गारंटी नेट से वक्फ बोर्ड चलता हर जगह इंडिया में, ये करे और कई चीज जीते हुए है, पांच लोगों के वजह से जो ना हासिल नहीं कर सकते। सब ताला गड्ढे के में आप जॉइंट सर्वे कराए थे, एमआरओ और रेवेन्यू टीम और पूरे मेट्रो जॉइंट सर्वे हुआ था जी, उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ। जॉइंट सर्वे होने के बावजूद भी
जो ना वक्त के कब्जे में आई जमीन ना वक्त उसको बाउंड्री घेर सका अभी तक। तालागट्टा दरगाह के जमीन के ऊपर आप जॉइंट सर्वे कराए थे कहा भाई? तालागड्डे में जॉइंट सर्वे कराए जिस दिन हमारे लोग पूरे गए टास्क फोर्स टीम वगैरह, तो वहां पर पूरे जो ना हिंदू मुस्लिम फिसाद होने वाला था वहां, तो उसको रुकाने के लिए पुलिस बोली भाई बाद में आके आप लोग ये करो बोल के, आपके कौशल बलुद्दीन साहब भी थे वहां पर, सब लोग मिलके जो है ना ये करें कि बाद में नेक्स्ट उसमें अपन उसको ये करेंगे बोल के। फिर पुलिस फोर्स ज्यादा लेने का है, परसों भी हम लोग उसके ऊपर रिव्यू करे, पूरे कलेक्टर से बात करा, हैदराबाद कलेक्टर से, एमआरओ से, सबसे बात करे हम, इंशाल्लाह ताला उसको फॉलो करेंगे। और छोड़ दो अभी क्या बोला, मैं चेयरमैन नहीं भी हूं तो मैं सिपाही रहता हूं बोला, भी है उसको जनरेट करके जो है ना हम लोग अल्लाह के करम से सैलरीज भी दिए, पूरे महीने को 1 करोड़ 1.25 करोड़ का खर्चा है, 5 साल में सैलरीज भी दिए, काम भी करे, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रही, पुलिस की भी सपोर्ट रही हमारे को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी सपोर्ट रही, जीएचएमसी की भी सपोर्ट रही, पूरों से केटीआर साहब केसीआर साहब कभी भी कुछ भी बोले तो वो लोग इमीडिएट एक्शन में आके हमारे काम को बराबर आगे बढ़ के सपोर्ट करते थे हमारे। और अल्लाह का करम ये रहा कि 5 साल में जब कोविड चला 2 साल तो जो है ना ऑफिसों को जो है ना कोई कई लोग आना आते ही नहीं थे, मिनिस्टर हो ऑफिसर्स हो कोई भी हो बहुत सारे लोग, मगर अल्लाह का कलम करम ये रहा कि अल्लाह मियां डेली मैं भगपोट में था, मैं कोई दिन नागा नहीं था, डेली भगपोट आके 2-3 घंटे क्या होते 2 घंटे क्यों नहीं होते आके यहाँ पर काम अंजाम देके कहाँ पर क्या हो रहा किधर क्या हो रहा देख के हम फिर अपन जाते थे घर। तो अल्लाह का हाईकमान जिसको चाहे उसको बिठा सकते, अब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह मियां अब इससे पहले एक मिसाल देता हूँ आपको भाई, किशन रेड्डी साहब थे बीजेपी के एमएलए को हार गए, हारे ना, उसके बाद में क्या हुआ फिर एमपी इलेक्शन आया, एमपी बन के जो है ना फिर सेंट्रल मिनिस्टर बन के और आगे निकल गए कैबिनेट में आज। ये अल्लाह की नवाजिश है किसको भी, कोई बंदा बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं ही बोले तो मैं का घर खाली, कभी भी कोई किसी को कुछ दे सकता ना ले सकता सिवाय अल्लाह के, जब तक अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते अल्लाह मियां, मैं अल्लाह पे भरोसा है कि भाई कभी भी फेल नहीं हुआ ना हूंगा भी नहीं जिंदगी में जब तक सांस है इंशाल्लाह। पर जो भी चेयरमैन रहेंगे आप आइए यहाँ पर कंप्लेंट करिए, यहाँ पर जो है सीओ भी रहेंगे उनको भी कंप्लेंट करिए, अगर नहीं सुने तो आप मेरे को बोलिए, आप इंशाल्लाह ताला मैं ऊपर तक सीएम तक जो है ना इसका कार्रवाई को खामोश नहीं बैठेंगे हम, और जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में भी है उसको बराबर मॉनिटर करेंगे हम भी, पोस्ट पे रहना जरूरी नहीं है, आप भी कर सकते सब कर सकते। वफ को बचाना है तो हर मुसलमान का फर्ज है कि वफ को जो है ना फॉलो करना हर एरिया में, जहां जहां भी तेलंगाना स्टेट में वफ प्रॉपर्टी है, तेलंगाना से हटके पूरे इंडिया में जहां जहां भी वफ प्रॉपर्टी डैमेज हो रही वहां पर सब लोग मिलकर जो है ना बचा सकते हैं। सबसे मेरी अपील है पुलिस की सपोर्ट लो और रेवेन्यू की सपोर्ट लो और वफ की सपोर्ट लेके जो है ना लैंड ग्रैब इनका बाजा बजाओ।